अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और दोपहर के बजे हैं 2 और हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया आज है। आज दिन है मंगल का। हाँ तो गाइस, अभी फातिमा मैडम ने आग खुलते के साथ ही हमारे कंधों पे रख दिया है काम बहुत भारी। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को पहले एक बात बता देता हूँ कि भाई गाइस, जो मैं व्लॉग जैसे सुबह में डालता था ना 7 बजे 8 बजे, तो उसकी थोड़ी सी टाइमिंग अभी चेंज करी है कुछ ठंड होने की वजह से, क्योंकि गाइस मैं रात को एडिटिंग करता हूँ और सुबह को भाई आँख नहीं खुल पा रही। तो अभी हमारा व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह 2 बजे तक आया करेगा आपके पास दोपहर में। तो अभी जब तक ठंड रहेगी तो जब तक तो यही टाइमिंग है, टाइमिंग उसके बाद चेंज होगी। ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ गाइस, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है भाई, आप लोगों को तो पता नहीं। सुन सब। हाँ, ये हमारा तो फ्लैट है ना, मतलब दिल ऐसा कर रहा था रात कि यार यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ एक आध महीने के लिए और वहाँ पे मतलब सर्दी काट कर आओ। और इस ठंड को देखते हुए फातिमा मैडम ने हमारे सर पे डाली एक जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी क्या है बता दो जरा। लिहाफ। हाँ तो जी, हम जा रहे हैं लिहाफ भरवाने और भाई फातिमा मैडम के लिए कहीं अच्छी जगह भरवाना। अब अच्छी और बुरी का नहीं, अच्छी बुरी नहीं है, वो निगंदे गलत डाल देते हैं। अब पता है क्या करते हैं, वो निगंदे अगर गलत डाल दिए ना तो ये समझो फिर लिहाफ की शेप जो है ना बिगड़ जाती है, फिर वोल्टे सीधे जो डाल देते हैं मतलब रुई है ना इधर उधर को भाग जाती है। बता दे, अरे तो ऐसी बन जाती है वो रुई, जिधर जिधर को रुई भागेगी उधर उधर को लेट जाएगा। क्या हो गया, जहाँ पे हमारी बाल दल है। हाँ मुझे मालूम है, अम्मी के साथ में कई दफा गया हूँ तो अम्मी ने मुझे याद है एक दफा सर्दी के अंदर ना भाई मुझे लिहाफ गिफ्ट करा था, मेरा बर्थडे आने वाला था तो अम्मी ने इतना भारी लिहाफ मुझे गिफ्ट करा। और कैसे करा था, मैं लेटा हुआ था और आप ही ने और अम्मी ने प्लानिंग बनाई कि भाई अथर को गिफ्ट करते हैं लिहाफ। आज तक जिंदगी में किसी को लिहाफ गिफ्ट मिला नहीं होगा बर्थडे के अंदर उसके, तो मैं लेटा हुआ था अपने बर्थडे वाले दिन और इन्होंने लाके मेरे ऊपर लिहाफ डाला एकदम से। नहीं, हमने इस वाले घर तक ओढ़ा है। फिर एक दिन क्या हुआ, ये आ रहे थे शॉप से अपनी मतलब, तो वहाँ पे जो है ना बेचारे वो जो फुटपाथ पे लेटे हुए होते हैं ना, तो मतलब वो बेचारे ऐसे ठिठरे हुए लेटे थे, तो ये आके मुझसे कहने लगे बेचारे वो जो बाहर लेटे हुए हैं ऐसे ही बेचारे हल्के से कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं, तो ये वो वाला लिहाफ उनको उड़ाई है। अम्मी और आपी का दिया हुआ लिहाफ हम उनको उड़ाई है। अम्मी ने मतलब काफी साल उड़ा हुआ हमने, मतलब सवाब भी हो जाए कोई बात नहीं। अम्मी के इंतकाल के बाद हमने उनको उड़ा दिया था वो लिहाफ। चलो भाई किसी की ठंड भी रुक जाए तो ये ऐसे के ऐसे ही महंगा, कोई बात नहीं हम बना लेंगे दूसरा। आप ये मोटा भी है और बड़ा भी था और डबल बेड का लिहाफ था जितना हमने बनाया है अभी। अच्छा आप लोग ये तो बताइए, जैसे हम इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों से बातें करते हैं तो आप लोग कहीं बोर तो नहीं होते इतनी सारी बातें हमारी सुन सुने के, यार कितनी लंबी बात कर दी उन्होंने। तो ठीक है गाइस, अभी सीन को करते हैं यहीं पे कट, वरना और लंबी बात हो जाएगी। अभी चलते हैं कहाँ पे, लिहाफ में निगंदे डलवाने हैं। रुई भी डलेगी, रुई भी पहले निगंदे डलवा दूं जा। तो गाइस रात 3 बजे ना हमारी छत पे से बड़ी तेज ना आवाजें आ रही थी, 3:30 का टाइम था ना फातिमा, तो अभी मैं चलता हूँ। वैसे तो खैर हमने रात भी सोचा था कि ऊपर छत पे जाए, मगर फातिमा ने मना कर दिया कि नहीं पता नहीं कौन होगा, अभी पहले छत पे चलते हैं एक दफ़ा देख कर आते हैं। वैसे छत पे कुछ है तो है नहीं सामान, कोई क्या लेके जाएगा, फिर भी होकर आता हूँ मैं एक दफ़ा। छत भी हमारी सारी गंदी हो रही है, असल में सर्दी की वैसे आना नहीं हो रहा ना ऊपर। वैसे तो खैर हम गेट बंद कर देते हैं ये वाला, मगर रात 3 बजे का टाइम था और बड़ी तेज़ ना किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी यहाँ पर, समझ में नहीं आई बात यार। मतलब मैं सोया हूँ तकरीबन सुबह 5:30 बजे और 3:30 बजे तक आवाज़ें आ रही थी। असल में ये बराबर वाली बिल्डिंग मिली हुई है ना, इससे थोड़ा सा बट डर रहता है कि इधर से कोई कूद के इधर ना आ जाए छत पे। खैर वैसे तो खैर हम लोग गेट बंद कर देते हैं ये वाला, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है भाई। अजरियान साहब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, हैं है? रात तो डर लग रहा था तुम्हें भी बेटा। हाँ सो गया नहीं था, रात डरे हुए थे तुम भी और जवान भी कि डैडी बहुत आवाज़ आ रही है ऊपर से। नहीं गाइस कुछ अजीब सी आवाज़ थी भाई, रैयान कह रहा कि डैडी यहाँ पे कैमरा लगा के छोड़ दो, पर चला कैमरा ही रह गया वो आगे। तो ठीक है गाइस, हमें तो मिल चुका है यहाँ पे काम, हम तो जा रहे हैं इसको लिहाफ को भरवाने। लेके तो मैं रैयान को जवान को भी जाता हूँ, मगर अभी इनके हाफिज़ जाने वाले हैं पढ़ाने, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ अभी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लिहाफ भरवाने अपना और हमने दे दिया इनको ये वाला कपड़ा। हाँ जी जरा मुझे इसका रेट और बता दो जो भरे हुए लिहाफ है। 350 रुपये का पड़ेगा। इसमें कितना किलो रुई है? 3 किलो रुई है। 3 किलो ये 800 रुपये का पड़ेगा। ये शेनिल कपड़े में है? हाँ शेनिल के कपड़े में, अच्छी हुई है इसमें। तो ये डबल थोड़ी होगा, डबल बेड का सिंगल है? हाँ डबल का है। अच्छा ये डबल के हैं। इसका क्या रेट ऊपर वाले का? ऊपर वाले का 1400 रुपये पड़ेगा। अच्छा इस वाले का 1600 रुपये। हाँ ये बड़ा है, ऊपर का 1400 रुपये। ये 800 रुपये का पड़ेगा सूती में, ये वाला 800 रुपये। चलो अलग अलग रेट। तो जी गाइस हम आ चुके हैं बिरमपुरी रोड पे मोहन नर्सिंग होम के, मोहन नर्सिंग होम है ना यहाँ पे? जी जी हाँ, उसके बिल्कुल सामने इनकी शॉप और बहुत पुराना काम है भाई इनका, हमारी वालदा यहीं आती थी पहले। ये बन गई हमारी पर्ची 850 रुपये। कल मिल जाएगा भाई साहब? कल मिल जाएगा। चाय बना दूँ भाई? नहीं भाईजान नहीं, बस मेहरबानी। तो जी सारे काम से फारिग होने के बाद हम तो आ चुके हैं भाई घर, सब सामान वामान सब लेके और लिहाफ भी डाल दिया है बनने के लिए, बेलगे से दबाए
भाई रानी दीदी आ गई। दीदी है भाई, क्या कर रही हो आप? आनिया बहुत बढ़िया भाई, हम तो थके थके फिर रहे हैं, तुम आराम से खा रही हो घर में बैठ गए है ना? क्या खा रही हो चुपके चुपके? मेरे आने से पहले ही प्लेट भी साफ कर दी। ओहो तो खैर उसके बाद बहुत ज़्यादा है, लियाफ ही लियाफ आए हुए थे। अब कहना भाई मैं अभी तो दे नहीं पाऊँगा, मार्च अप्रैल में ले लेना। मेरे कोई बात नहीं, तुम गर्मी में ओढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी थोड़ी है, गर्मी में ऐसे चलो अपना ओढ़ लो है भाई। मैंने कोई बात नहीं, तुम अपनी मर्जी दे देना ठीक है भाई। बीवी सबर वाली है। गाइस 2 बजे गए हुए थे हम और अभी टाइम हो चुका है 5:45 बजने वाले भाई यहाँ पे। और भाई फातिमा मैडम हमारे लिए कुछ अनोखा बना रही हैं। ये क्या बना रहा? गजरबत्ता क्या ही है? सैंडविच गजरबत्ता। ये सैंडविच है। तो गाइस आप लोगों ने खाया गजरबत्ता? आप लोग हमें बताइएगा, नाम तो सुना ही होगा है ना, गजरबत्ता। और इसके अंदर क्या बना कुकर के अंदर? गंदी मंदी चीजें नहीं खाने का बाद में, सुबह जब भूखों में निकाल रहे गंदी मंदी चीजें, कुछ बढ़िया से तो बना के यार। दोपहर अब परहेज में ये भी नहीं है, गंदी चीजें खाने बैठ जाओ। गंदी अच्छा। तो गाइस आप लोग हमें बताइएगा शकर गंदी होती है कि शकर कंदी होती है, कैसे या जी से? शकर कंदी होती है। अच्छा तो भाई यहाँ पे कुकर के अंदर वो उबाली जा रही है, दिखाना कैसी लग रही है? देखने में भी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं वहाँ गया था ना जाफराबाद, हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके घुटनों के अंदर पथरी हो गई। कौन आया भैया? आ गए, गेट खोलो। अल्लू बिल्लू अल्लू बिल्लू अल्लू बिल्लू, जल्दी से भैया आ गए, भैया आ गए, गेट खोलो। जाओ रही है। तो गाइस आजकल हमें ना ये वाला गेट मगरिब होते ही बंद कर देते हैं भाई, बहुत हवा आ रही है साइड से, बहुत ज़्यादा इतनी ठंड लग रही है कि मतलब आपको हम बता नहीं सकते भाई। हानिया को अंदर लेकर आओ जल्दी से, अंदर लेकर आओ हानिया को, आओ चलो। क्या वो माइनस मिली नहीं बेटा? इसे अंदर करके ना गेट बंद करो। हाँ तो जी हम कहाँ थे, भूल गए हम कहाँ थे यार, आधी अधूरी बात रह गई, मैं तो बात भी भूल गया कह रहा था मैं। क्या है? दो तरह की क्यों है? फ्राइज बर्गन बेरगन क्या ही है? फ्राइज थोड़ी लिखा हुआ है, फ्रिक है, फ्रिक बर्गन। तो गाइस यहाँ पे हमारी शकर गंदी बड़ी मंदी तैयार होने जा रही है बिल्कुल अभी, मसाला वसाला। फातिमा इसमें प्लीज मेरी वाली में नींबू और चाट मसाला बहुत कम। हाँ हो गई, देखने में तो बढ़िया लग रही है। फातिमा प्लेट देना, रही प्लेट देना बेटा वहाँ से। तो गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नया नया एक्सपेरिमेंट करने। ये देखिए ये है तिल बुग्गा, फातिमा बोल दी थी तिल बुग्गा। और भाई मैंने, मैं एक बार बता दूँ फातिमा, आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे हलवा। तो भाई हम जा रहे हैं इसको यहाँ पे गर्म करने माइक्रोवेव के अंदर। वो खराब क्यों होगा? नहीं खराब नहीं होने का भाई, हल्का सा तो गर्म करके देखूँ फातिमा, हल्का सा। बेटा गेट खोलो, गेट खोलो माइक्रोवेव का। बेटा बाहर का गेट नहीं माइक्रोवेव का, यार क्या कर रहा है रैयान? बच्चे भी हमारे तो कॉमेडी है भाई। तो भाई गाइस मैं यूपी को बड़े दिल से मोहब्बत करता हूँ, यूपी वालों से बड़ी दिली मोहब्बत है मुझे। नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब वो नहीं किसी ने कुछ कहा नहीं, मतलब वो हमारी सैयब जी हैं, उन्होंने ये लिखा कि मतलब भाई यूपी के दिल वाले, मतलब यूपी वाले के दिल काले नहीं होते। फिर एक मजाक था, मैं जानता हूँ यूपी वाले के दिल काले नहीं होते भाई, और यूपी से तो मुझे बहुत मोहब्बत है, जब तो अपनी स्कूटी उठा उठा के भाग जाता हूँ यूपी से, तो मतलब मुझे क्या सबको ही मोहब्बत है भाई। यूपी में जो मज़े है ना वो दिल्ली में कभी नहीं हो सकते कभी भी। खा लो जल्दी से खा लो, आहा थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, आहा खा लो। शकरकंदी का हलवा भी तो बनता है। तुम शकरकंदी का हलवा बनाओ, शकरकंदी के अंदर मुर्गा डालो, नाम इसका गंदी रहेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने ये हलवा जो है ना हमारा, ये हमने थोड़ा सा गर्म कर दिया है अभी, और ये मिलता है हमारे जाफराबाद की 26 नंबर गली के पास। फातिमा क्या जायका बढ़ गया, गर्म हो गया, देखो लो लो। तो चलते हैं इसे कमरे में लेके, फिलहाल लेते हैं इसका सहारा थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे फातिमा मैडम क्या खिलाती हैं हमें। तो भी अब जा रहे हैं इसको वापसी रखने के लिए, बहुत हो गया फातिमा। लो इसे वापसी रख दो, ये तो बीच में से फटा हुआ। तो गाइस यहाँ पे शकरकंदी हमारी तैयार हो चुकी है भाई। अरे यार बाहर वालों से याद आया, गाइस अगर आपको शकरकंदी खानी है आप लोग जाइए बाड़ा हिंदूराव है फातिमा। ओए होए क्या शकरकंदी बेचता है भाई वो, अगर मैं गया तो उसकी वीडियो लाऊंगा जरूर बना के यार। फातिमा ने मेरे लिए शकरकंदी भी यहाँ पे तैयार कर दी है। मैं वैसे फातिमा इतनी चटपटी वाली है ना, खाने वाला नहीं हूँ। फिर बहुत लाइट लाइट था, मिर्ची लगेगी थोड़ा। तो मैं क्यों छोड़ दूँ, मैं ये नहीं खा लूंगा इसे खड़े होके एक आधा चम्मच।
नहीं बता दूंगा अभी, हाथ के हाथ आपको मैं फैसला दूंगा, टेंशन मत लो। चलो वो लेके चलो, आलू लगता है। देखो रे यार बढ़िया हो रही है, पता फर्मा कैसी लग रही है खाने में, पता कैसा टेस्ट आ रहा है। जय शकरकंदी खा लो, लो ये चखो चखे। अरे बेटा ठंडी है, मैं गर्म दे दूंगा कोई आपको। बढ़िया हो रही है भाई, ऐसा नहीं है मम्मी ने कोई चीज़ गलत बनाई है। तो गाइस हम ले रहे हैं यहाँ पे कंबल के अंदर बैठ के शकरकंदी का मजा, और भैया यहाँ पे जो है ना सैंडविच का मजा जो है ना गाइस, सर्दी के अंदर ही है, इसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। कैसी रही फातिमा शकरकंदी, है ना जबरदस्त बनी हुई है भाई। तो गाइस आप लोग घर के अंदर जरूर ट्राई करिएगा भाई, पता नहीं बनाते भी होंगे हैं तुमने बनाई है। अच्छा जी आप लोग घर में जरूर ट्राई करिएगा शकरकंदी, शकरकंदी उबाल के इसमें डालो काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और दही बड़ों की चटनी बनाई थी ना मैंने, थोड़ी सी वो डाल दो। अच्छा वो लाल वाली टमाटर वाली, ओहो वो सॉरी इमली वाली, हाँ तो उसकी रेसिपी तो बतानी है फातिमा। ऐसा है कल बुध बाजार लगेगा ना, तो कल जो तुम्हारी रेसिपी वाला जो सामान है ना वो ले आओ, ठीक है। तो गाइस आपको है ना चटनी वो दिखाएंगे इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग के अंदर, आज तो नहीं। खैर असल में हमारे यहाँ जो एरिया है ना गाइस, यहाँ पे ना खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत बहुत है, थोड़ी सी दिक्कत बहुत है। बात देखो मैंने क्या कही है, मतलब यहाँ पे दिल्ली से खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो हमें हर चीज़ जाफरबाद से लेने जानी पड़ती है। और बाजार भी यहाँ पे कल लगेगा इंशाल्लाह बुध का, तो सब्जी वगैरह जो भी सामान आना होता है ना वो तो सब एक साथ ही आ जाता है। फातिमा क्या कर रही हो तुम ये डरा दिया भाई डरा दिया, मैं सोच रहा था मेरे आज फातिमा को डराना जरूर है। अच्छा खुद ब खुद लस्सी वस्सी पी रही हो गिलास के अंदर निकाल गए हैं, हमें चाय को भी नहीं पूछा। पानी था। रोटियां बननी है गोल गोल। और भाई फातिमा यार ये यूपी वाली जो मैटर है ना ये इसे क्लियर करो भाई, अभी दोबारा फिर मैसेज आया राबिया जी का, वो भी ये कह रही है कि भाई आप यूपी वालों को काला क्यों कह रहे हो, काले दिल वाला। तो मैंने भाई बुरा मत मानो, मैंने तो मजाक में कह दिया यार, मतलब मुझे तो यूपी बहुत पसंद है, आप यकीन मानना मेरे तो अभी राल टपकी जा रही है। मैं गन्ने फातिमा अच्छा यकीन मानना कितने दिन से मैं गन्नों के लिए कह रहा हूँ तुमसे, कि अगर यूपी में कोई ऐसा घर होता कि मतलब वहाँ पे रुकते जाके, मतलब हमारी जो है हमारी ननियाल खत्म हो गई यार वहाँ यूपी के अंदर, हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हो गए, हमारे मामू नानी नानू सब खत्म हो गए, तो इस वजह से हमारी ननियाल है ना टूट चुकी। तो अभी हम बड़ा तड़पते हैं यूपी जाने के लिए, आप लोग यकीन मानिएगा वहाँ की सरसों की रोटी, सरसों का साग, मैदे की रोटी, चावल का आटा, क्या 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 बताऊँ मैं, मतलब वहाँ के गन्ने की खीर, ओए होए होए होए। कहाँ चलो अभी ठंड देख रही हो, बात कितनी तेज़ हो रही है। अच्छा खाने के बना रही हो तुम, पहले ये बताओ। ओ गाइस यहाँ पे हानिया है ना हमारा ब्लॉग देख रही है, यहाँ पे बिट्टू भाई को देख रही है, बिट्टू भाई को अपने। हानिया कौन है हानिया? हाँ बिट्टू भाई मैजिक कर रहे हैं बिट्टू भाई यहाँ पे। भाई सब लोग एक तो फातिमा ये पूछ रहे हैं कि भाई फातिमा आप अपना रियल बर्थडे बताओगे, मतलब कब होता है। मुझे मालूम ही नहीं। नहीं असल में गाइस जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी जन्म पत्री बनती है, फातिमा की FIR लिखी गई थी थाने के अंदर, तो इस वजह से पता ही नहीं, अभी रामपुर जाना पड़ेगा। अभी रामपुर जाना पड़ेगा और वहाँ के थानों के अंदर पुराने रिकॉर्ड निकलवाने पड़ेंगे, उससे पता चलेगा फातिमा की डेट ऑफ बर्थ का किस दिन। पहले कहाँ होती थी भाई? पहले जन्मपत्री नहीं बनती थी? कहाँ बनती थी? क्यों अभी तो हो गया है सब काम। अच्छा जी हाँ ये शबरात को हुई थी, ये मोहर्रम की हुई हुई है। हाँ पहले के बुजुर्ग जो थे ना वो ऐसे याद रखते थे। हाँ मैं अमावस के चांद को हुआ हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारी रोटी जो है ना वो फूल चुकी है फातिमा की तरह बिल्कुल खुशी के मारे हैं भाई। और भाई हमारे चैनल पे जो जो एक एक दो दो करके माशाल्लाह से बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइबर, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे चैनल पे आ रहे हैं और हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे, और हमारी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं ना भाई फातिमा, तो भाई उनका तहे दिल से शुक्रिया। और भी अपने मिलने जुलने वालों में हमारा चैनल पहुंचाते रहे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जब आप लोग मतलब कमेंट करते हैं ना और अच्छी अच्छी बातें करते हैं है ना फातिमा, जब भी हमारा भी हौसला बढ़ता है यार, आपके बगैर हम कुछ नहीं है कुछ भी, मतलब हाँ आप लोग ही मतलब प्यार दे रहे हैं तो हम इतना कोशिश कर भी रहे हैं, बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ हमेशा। गाइस यहाँ पे जा रहा है हमारा रात का खाना निकलने, तो
तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाने का थोड़ा सा जायका ले लीजिए। बात मैंने बनाया है यहाँ पे आलू गोश्त चिकन के अंदर, चिकन का गोश्त और आलू का आलू, क्या कह रहा हूँ मैं आपकी वजह से है। हाँ मतलब सही है, ज्यादा मसालों का तो नहीं लग रहा है, सही है, पानी पानी सा मिर्चा नहीं है बिल्कुल भी, सही करो ना ठीका लगेगा तो। अरे सही है भाई बिल्कुल, मतलब सही खाओ, एक हफ्ते में खा लो थोड़ा सा ये भी, बाकी तो ऐसे ही खाओ यार, सही है। एक हफ्ते खा लो फिर अलियामिन भी खाई हो जाएगा। हाँ एक हफ्ते में अलियामिन के पहुंच जाओ। तो भाई हानिया ने फैला दिए यहाँ पे दोबारा से सारे के सारे खिलौने, अभी तो जोहान ने समेटे हैं। बाबू खाना खाने जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ खाना खाने जा रहे हैं रानी। हाँ सब फेंक दिया आपने, चलो कोई बात नहीं आप दोबारा उठा देना ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना, इसे रख दो पोलोथीन को, मैं रख दो मेरी रानी, आप तो अच्छी बच्ची हो ना डैडी की। हाँ मम्मा अभी खाना खाएंगे है ना। अच्छा अच्छा इधर देखो, मैं इधर देखो सबको, इधर तो देखो हानिया हानिया इधर तो, अच्छा इसमें झांक रही है वो। हाँ सब खिलौने सब फेंक दिया हानिया ने, कोई बात नहीं अब आप खाना खा लो। तो गाइस इतनी ठंड हो रही है भाई आज, हमें ना यहाँ पे कॉन्वेक्टर निकालना ही पड़ गया, हम सोच रहे थे शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ने की, मगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई फ्लैट के अंदर। हाँ क्या है कोरा, अरे अरे वाह देखो कितना ठंडा, फातिमा ये तो इधर भी आ गया है। ओ सॉरी है बहुत तगड़ी वाली। तो आज दस्तरखान गाइस हमने यहाँ पे लगाया है ठंड की वजह से, कि आराम से यहाँ पे बेड पे खा लेंगे, वहाँ ज़मीन पे हम लोगों से बैठा ही नहीं जा रहा। और भाई यहाँ पे जेठालाल चल रहा है हमारे सामने, आइए चलिए चल ले चल के खा लेते हैं तो आइए चलिए खा लेते हैं यहाँ पे खाना, आप लोग भी आ जाइए। माशाल्लाह से पूरा इसके ऊपर रंग रूप आ चुका है बढ़िया वाला। अभी कैसा हो रहा था ना फातिमा, ये यहाँ रखते हैं साथ ही रोगन आ गया इसके ऊपर। अन्नू बच्चा खाना खाओगी हानिया, खाना खाओगी आप? चलो फातिमा निकालो निकालो फातिमा, पहले तुम निकालो, तुम बड़ी हो ना मेरे मुझसे। अरे निकालो पहले, बड़े निकालते हैं, उम्र में तो बड़ी हो अब, तुम्हारे कागजात मिले हैं रामपुर से तो पता चले तुम्हारी बर्थडे कब है, अब तो मुझे खतरा होने लगा। भैया तुम खांसती हो ना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बड़ी हो उम्र में। खैर इंशाल्लाह इसका पता लगाएंगे कभी ना कभी चल के रामपुर। तो आइए गाइस खा लीजिए खाना हमारे साथ। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और हम दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा, देखिए कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है बाहर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओए होए फातिमा बहुत ज़्यादा है भाई बहुत ज़्यादा, फटाफट बंद कर लो, डर लग रही है, बंद कर लो जल्दी से। हानिया नहीं हानिया नहीं, चलो अंदर चलो जल्दी से, नहीं हाँ बेटा हाँ बहुत सब कुछ ढक गया, बहुत ठंड है गाइस बहुत ज़्यादा ठंड भाई, मतलब यहाँ पर रुका नहीं जा रहा हमसे, ऐसा लग रहा है कि हमें ना शिमला मसूरी सब घूम लिए इन दो दिन के अंदर, कल भी इतना बुरा हाल था और आज भी बहुत बुरा हाल है भाई। तो गाइस दो दिन हो गए और ठंड की वजह से हम बाजार नहीं जा पाए, तो ये ताता ताता करती रहती है। आ जाओ ऊपर आ जाओ हमारे पास, मतलब हम हानिए की वजह से नहीं गए, इंशाल्लाह जाएंगे दो चार दिन में प्रोग्राम बनाएंगे, जरा मौसम थोड़ा सा वैसा भी तो मौसम फातिमा सही होने वाला है नहीं, ये तो भूल जाओ मौसम अभी सही होगा, कल धूप भी निकलेगी ना दिन में ना रात में, कल तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसी बता रहे हैं उसके अंदर, तो रात में नहीं निकलती। तो भैया फातिमा का पूरा दिन यही सोचने में गुजर गया कि अभी इनका बर्थडे कब है, तो ये सस्पेंस बन चुका है, तो इंशाल्लाह इसका पता लगाएंगे हम जरूर। असल में जब ये पैदा हुई थी ना फातिमा, तो जब ये तो हाथ का वो दाई मर गई थी जिसने पैदा करा था। मैं वही तो था दाई के पैसे मैं तो लेके खड़ा होता देने के लिए, मैं चलो ये फातिमा के पैसे जिम्मेदारी तो मेरी बनती है, मेरे लिए हुई थी ये पैदा होते ही, और क्या पैदा होते ही जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी, और क्या। तो फिर गाइस मैं वही खड़ा हुआ था, पति कहीं नहीं मिलेगा, वही खड़ा हुआ था मैं पैसे लेके, मैंने कहा जैसी फातिमा होगी तो अपना दाई को मैं पैसे दे दूंगा, मगर वो दाई इंतकाल फरमा गई फातिमा को होते के साथ ही, तो उसके बाद फिर है। हाँ तुम तमाम हुस्न की बाला पैदा हुई थी ना, तो तुम्हें देखती वो जो थी गचका के जमीन पे गिर पड़ी कि ये निशा खान जो है ये है लखनऊ से, और इनके बेटे का अजीम तारिक उनका बर्थडे मतलब है आई एम फ्रॉम लखनऊ मतलब आज था। तो भाई अजीम तारिक हमारी तरफ से आपको बहुत 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 मुबारकबाद अपने जन्मदिन की। ठीक है गाइस बंद करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही, सुख दिखते कि शायद आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो देखो मुझे टाटा कर रही है वो बिल्ली। तो ठीक है गाइस अगर आप लोगों को ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग के अंदर कुछ नया लेके, अभी दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो आनिया, अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज।
Ain't no one like